हेलो एवरीवन, टिकलेस एकेडमी ऑफ मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में डिफरेंशियल कैलकुलस ये यूनिट को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसमें फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ये टॉपिक का 10th प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जो प्रॉब्लम आज हमें सॉल्व करना है वो आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है इफ y इक्वल्स टू ब्रैकेट में है 1 - x टू द पावर माइनस अल्फा इंटू e टू द पावर माइनस अल्फा x, देन शो दैट 1 - x ब्रैकेट में इंटू y1 इक्वल्स टू अल्फा xy। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले के प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। यहां पे हमें सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करना है, यहां पे सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हमें फाइंड आउट नहीं करना है। कैसे समझ में आ रहा है? क्योंकि यहां पे देखो, शो दैट में जो इक्वेशन है उसमें सिर्फ y1 लिखा है। y1 माने dy by dx। आपको इस टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व करते समय सिंपली डिफरेंशिएशन आना चाहिए। डिफरेंशिएट करते समय आपको बस एक दो चीजें पता होना चाहिए। जब आप y को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम उसको कहेंगे दैट इज dy by dx, ठीक है। और ये जो dy by dx है इसी को कहते हैं y1, ठीक है। और अगर आप ये dy by dx को एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो हो जाएगा d²y/dx², और ये d²y/dx² को y2 कहा जाता है, ठीक है। बस आपको ये दो एक दो चीजें पता होना चाहिए तो आप आराम से ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे शो दैट में सिर्फ एक ही इक्वेशन है जो कि y1 के फॉर्म में है, इट मींस dy by dx वहां पे आना है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा। बस हमें फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ही प्रूफ करना है, ये इक्वेशन। तो चलो हम ये सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करते समय सबसे पहले ये जो गिवन जो है वो हम यहाँ पे ले लेंगे। तो गिवन इक्वेशन क्या दिया है? गिवन में दिया है y इक्वल्स टू ब्रैकेट में 1 - x टू द पावर माइनस अल्फा इंटू ई टू द पावर माइनस अल्फा x, ये दिया है। और अब हमें इसको सिंपली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। इसके लेफ्ट साइड में y है, इट मीन्स y इज अ फंक्शन। राइट साइड में x है, इट मीन्स x इज अ वेरिएबल। तो हम इसको आसानी से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो हम यहां पे लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, ये y का हो जाएगा dy/dx, बाद में हम इसी को y1 कहेंगे। और राइट साइड में अगर आप डिफरेंशिएट करना चाहेंगे तो यहां पे भी x है और यहां पे भी x है, दोनों टर्म में x है। इट मींस हमें यहां पे डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। और प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना काफी सिंपल है। अगर दो टर्म्स है तो फर्स्ट टर्म इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ये डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल है जो कि काफी आसान है। इसके पहले के भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स में हमने यूज किए थे, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे ये फर्स्ट टर्म ये सेकंड टर्म। तो हम सबसे पहले लिखेंगे फर्स्ट टर्म। तो ये हमने लिखा फर्स्ट टर्म 1 - x टू द पावर माइनस ऑफ अल्फा, ये फर्स्ट टर्म हो गया। और अब डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड टर्म, इट मीन्स ये एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन। तो एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल खुद होता है, तो ये हम लिखेंगे इंटू ई टू द पावर माइनस अल्फा एज इट इज। लेकिन इसका जो पावर है उसको हमें अलग से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो माइनस अल्फा एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स वो हो जाएगा, दैट इज देखो एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो वन और बचेगा माइनस अल्फा। इसका मतलब हमें इसको माइनस अल्फा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो फाइनली ये फर्स्ट टर्म इंटू ये डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, और अब प्लस सेकंड सेकंड टर्म हमें लिखना है, इट मीन ये टर्म। तो ये हम लिखेंगे ई टू द पावर माइनस अल्फा एक्स, ठीक है। ये हम लेके सेकंड टर्म इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे। इसका मतलब 1 - x टू द पावर माइनस अल्फा को इसको डिफरेंशिएट करना है, तो ये माइनस अल्फा पहले बाहर आएगा, ठीक है। तो ये हम लिखेंगे माइनस अल्फा, ठीक है। देन ये 1 - x और माइनस अल्फा माइनस एक्स, सॉरी माइनस वन, ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये हमने फर्स्ट टर्म को डिफरेंशिएट कर लिए, ठीक है। देखो फर्स्ट टर्म इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड टर्म इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ये जो फर्स्ट का जो हमने डिफरेंशिएशन किया है ये कैसे किया है, तो इसके लिए काफी सिंपल हमने फार्मूला लगाया। देखो फार्मूला ये है, काफी सिंपल है, d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर n, ये होता है n x टू द पावर n माइनस वन, ऐसा होता है, ठीक है। ये जो पूरा ब्रैकेट है इसको मान के चलो एज अ x, तो ये x टू द पावर n के फॉर्म में है। यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, माइनस अल्फा, तो x टू द पावर n के फॉर्म में है, तो क्या होता है n x टू द पावर n माइनस वन, ऐसा होता है। जो पावर है वो बाहर निकलता है और फिर उसका जो पावर है वो एक से कम हो जाता है। तो यहाँ पे जो पावर है माइनस अल्फा वो हमने यहाँ बाहर निकाले, देन हमने ये ब्रैकेट एज इट इज लिखे, और फिर इसके यहाँ पे पावर जो है वो एक से कम करना है, तो माइनस अल्फा हमने माइनस अल्फा माइनस वन ऐसा। लेकिन डिफरेंशिएशन पूरा नहीं हुआ है, यहाँ पे एक और डिफरेंशिएशन बचा है, वो क्या, हमने सिर्फ
यहां पे पावर बाहर निकाले और पावर एक से कम किए, लेकिन जो इनर टर्म्स है हमें उसको अलग से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इनर टर्म्स जो अंदर की टर्म्स है, ब्रैकेट के अंदर क्या है, 1 माइनस एक्स है, इसको अलग से डिफरेंशिएट करना है, तो वो छूट गया था, तो वो हम यहां पे अलग से डिफरेंशिएट करेंगे। 1 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 1 का 0 और माइनस एक्स का माइनस 1, तो हम सीधा सीधा माइनस 1 ऐसा लिखेंगे। देखिए इतना बड़ा डिफरेंशिएशन हो गया। देखिए यहां पर हमने प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर लिए और अब हमें इसको थोड़ा सा रिड्यूस करना है, और इसको रिड्यूस करना है और तब तक सॉल्व करना है जब तक शो दैट का ये इक्वेशन नहीं मिलता। ठीक है, बस इसको रिड्यूस करते हुए चलना है, बाकी यहां पे और आगे चल के यहां और कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, बस थोड़ा सा रिड्यूस करते हुए हमें बस ये प्रूफ करना है। अब ये कैसे होता है, देखो लेफ्ट साइड में जो डीवाई बाई डीएक्स है इसके जगह अब हम वाई वन लिख सकते हैं आसानी से। देखो लेफ्ट साइड में हमने वाई वन लिख दिए, और अब राइट साइड में क्या क्या हो सकता है, देखो यहां पे माइनस अल्फा बाहर ले लो। ठीक है, इसको अगर आप बाहर लेंगे हमें यहां पे एडजस्टमेंट करके प्रॉपरली सॉल्व करना पड़ेगा। माइनस अल्फा हमने बाहर ले लिए, एक्सपोनेंशियल भी हम पहले ले लेते हैं, ई टू द पावर माइनस अल्फा एक्स। ठीक है, और फिर ये ब्रैकेट वाला जो टर्म है वो हम बाद में लिखेंगे, 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस अल्फा, ऐसा। ठीक है, चलेगा, हमने ऐसा लिखे और अब आगे बढ़ेंगे। ये हमने फर्स्ट टर्म पूरी तरह से लिख लिए और अब सेकंड टर्म की तरफ चलते हैं। सेकंड टर्म में क्या 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 हो सकता है, देखो ये माइनस 1 है, ये माइनस अल्फा है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो ये अल्फा और एक्सपोनेंशियल हम फिर से पहले बाहर ले लेते हैं, तो हम लिखेंगे अल्फा पहले लिखेंगे, देन ये एक्सपोनेंशियल लिखेंगे इस तरह से, ये देखिए। ओके, अल्फा लिखे, एक्सपोनेंशियल लिखे, और ये 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस अल्फा माइनस 1 है ना, तो हम एक काम करेंगे इसको ऐसा लिखेंगे, 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस अल्फा इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस 1। देखो ये जो हमने लिखा है ये स्टेप इंपॉर्टेंट है। यहां पर हमने क्या किया, जो उसका पावर था माइनस अल्फा माइनस 1, हमने इसको अलग अलग कर लिए, माइनस अल्फा ये ब्रैकेट को दे दिए और माइनस 1 ये ब्रैकेट को दे दिए। अगर आप ये दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो उसका पावर जो है वो माइनस 1 माइनस अल्फा ये ऐड हो जाएगा और ये ऐसा बनेगा। ठीक है, इस तरह से। और क्या कर सकते हैं इसमें, अब देखो हम यहाँ पे कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे, देखो यहाँ पे माइनस अल्फा एक्सपोनेंशियल और ये ब्रैकेट इसमें भी है और इसमें भी है। देखो यहाँ पे माइनस नहीं, माइनस को छोड़ देंगे हम। ठीक है, ओनली अल्फा एक्सपोनेंशियल ये ब्रैकेट, ये देखो अल्फा एक्सपोनेंशियल ये ब्रैकेट, ये हम कॉमन ले लेंगे। तो अगर हम इसको कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये लेफ्ट साइड में वाई वन और अल्फा ई टू द पावर माइनस अल्फा एक्स और ये ब्रैकेट 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस अल्फा, ये देखो ये हमने कॉमन ले लिए। और अब क्या क्या बचा, तो यहां पे ये देखो यहां पे सिर्फ बचा माइनस 1, क्योंकि ये अल्फा एक्सपोनेंशियल ये ब्रैकेट बाहर चला गया, तो यहां बचा माइनस 1। और यहां पे क्या बचा, यहां पे बचा है सिर्फ ये टर्म बचा है। ठीक है, 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस 1 ये बचा है, तो हम लिखेंगे माइनस 1 प्लस 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस 1, ये ऐसा। देखो इतना बचा है सिर्फ। ठीक है, और अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इसको और थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। ये जो वाई वन है, ये वाई वन हम यहां पर लिखेंगे वाई वन लेफ्ट साइड में। ओके, राइट साइड में चलते हैं, यहां पे अल्फा एक्सपोनेंशियल और ये ब्रैकेट, ये हम लिख लेंगे अल्फा एक्सपोनेंशियल और ब्रैकेट 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस अल्फा, ये देखो ये हमने एज इट इज लिख दिए। और अब हमें यहां पे थोड़ा सा सॉल्व करना है, हम इसको थोड़ा सा एक्सचेंज कर लेंगे, ये टर्म इधर लिखेंगे ये टर्म इधर लिखेंगे, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, दैट इज 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस 1 और माइनस 1। देखो ये हमने ऐसा लिखे, जानबूझ के ऐसा लिखे ताकि आगे हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने में आसानी हो। हमें यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, कैसे करेंगे, देखो लेफ्ट साइड में वाई वन, हमने यहाँ पे सिर्फ क्या किया, ये टर्म यहाँ लिखे और ये टर्म इधर लिखे। ठीक है, और ये हो जाएगा अल्फा ए टू द पावर माइनस अल्फा एक्स, देन 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस अल्फा। ओके, और यहाँ पे हम ये माइनस 1 है ना, इसका पावर माइनस 1 है, तो हम यहाँ पे इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 बाय 1 माइनस एक्स, ऐसा लिख सकते हैं, चलेगा, देन माइनस 1। और अब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो देखो ये क्या होगा, वाई वन इक्वल्स टू, तो पहले जो टर्म्स है वो एज इट इज रखो, अल्फा ई टू द पावर माइनस अल्फा एक्स, देन 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस अल्फा, ये एज इट इज रखो। इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं तो क्या होगा, यहां पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से 1 देन माइनस 1 प्लस एक्स बाय ये 1 माइनस एक्स, ये देखिए ये हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिए। ठीक है, और अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें जो इक्वेशन प्रूफ करना है बस उसके लिए सॉल्व करना है। तो यहां पे देखो क्या होगा, ये 1 माइनस 1 ये तो 0 हो गया, यहां पे x बचेगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन को अब हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो हम यहां पे लिखते हैं क्योंकि अभी यहां पे जगह कम है। ठीक है, तो हम इसको यहां लिखेंगे इधर, तो यहां पे लेफ्ट साइड में y1, ओके ये लेफ्ट साइड में y1 इक्वल्स टू, राइट साइड में अल्फा
ये अल्फा e टू द पावर माइनस अल्फा x, देन 1 माइनस x टू द पावर माइनस अल्फा, ये एज इट इज, और फिर यहां पे क्या बचा, x बाय 1 माइनस x ऐसा बचा, ठीक है, x माइनस 1 माइनस x, जो डिनोमिनेटर है वो तो 1 माइनस x एज इट इज, न्यूमरेटर में 1 माइनस 1 जीरो हो गया, और x देखो न्यूमरेटर में सिर्फ x बचा, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर में 1 माइनस x है इसको हम इधर लेफ्ट साइड में लेके आएंगे, अगर आप इसको लेफ्ट साइड में लाएंगे तो कुछ ऐसा होगा 1 माइनस एक्स इंटू वाई वन, ठीक है। और अब राइट साइड में क्या बचा, राइट साइड में बचा दैट इज अल्फा, देन ये जो ब्रैकेट वाला टर्म है वो हम पहले लिख लेंगे, ठीक है, तो ब्रैकेट वाला टर्म 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस अल्फा ये हमने पहले लिख लिए, एक्सपोनेंशियल हम बाद में लिख लेंगे, और फिर इंटू एक्स, ठीक है, और इंटू एक्स हम ऐसा लिखेंगे, ठीक है। और अब देखिए यहां पर जो गिवन इक्वेशन है, देखो गिवन इक्वेशन 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस अल्फा एक्सपोनेंशियल, ये क्या होता है, ये y होता है, इसका मतलब हम इसके जगह y लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे लेफ्ट साइड में 1 माइनस एक्स वाई वन, ये एज इट इज रहेगा, ठीक है, और राइट साइड में इसके जगह y आएगा, तो ये होगा अल्फा इंटू वाई और ये इंटू एक्स, तो फाइनली इसको हम ऐसा लिखेंगे 1 माइनस एक्स इंटू वाई वन इक्वल्स टू अल्फा एक्स वाई, और शायद यही हमें प्रूफ करना है क्या, बिल्कुल यही, देखो यही हमें प्रूफ करना है, ये देखो, ठीक है, जो हमें प्रूफ करना है ये आ चुका है यहां पे, और फाइनली प्रॉब्लम जो है वो यहीं पे कंप्लीट हो गया, बस हम यहां पे लिख लेंगे हेंस प्रूफ, जो प्रूफ करने के लिए कहा था वो हमें मिल गया। और ये जो इक्वेशन हमने प्रूफ किया है ये एक्चुअली फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, कैसे समझ में आ रहा है, क्योंकि इसमें वाई वन है, तो जैसा हमने स्टार्टिंग में कहा था वाई वन इट मीन डी वाई बाई डी एक्स, तो वो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा, ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में भी सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ये था डिफरेंशियल कैलकुलस, ये यूनिट में फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 10। इसके पहले जो हमने इसके 9 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले वीडियोस में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।